ऐसा देश वैसा वेश, देख कर ये आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ महापंचायत का आयोजन नारायणगंज कस्बे के अंदर किया गया, दादा देवराज धर्मशाला के अंदर। श्री सोनिया दून ने ये प्रोग्राम किया, जो कि युवा नेत्री हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। वैसे तो वो राजनीति में भी सक्रिय हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम किया गया था ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक था और इसमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और खासकर जो हमारे गोत्र विवाद हैं और ब्याह शादी जो एक ही गोत्र में या गुआंड में हो जाते हैं उसके विरुद्ध लामबंद करने के लिए ये आयोजन किया गया था। तो आज बहुत सी करीब 70-80 हरियाणा की खातों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और एक बहुत बड़ी महापंचायत थी ये नारायणगंज के अंदर। आज सोनिया दून के उसमें और सतरों खाप की तरफ से ये आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता सोनिया दून थी। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ नारायणगंज की दादा देवराज धर्मशाला में। जब सोनिया दून आपके बीच रूबरू होगी, जो साथी दाएं बाएं हैं भाई, जहां तक मेरी आवाज सुन रही है वो पंडाल में आ जाएं। मंजिल मिले न मिले कोई दम नहीं, मंजिल की जुस्त जो में मेरा कारोबार है। ये शब्द सोनिया के लिए आज के यहाँ दर्शन कर रहे शर्म साहब, सभी खापों के महानुभाव और उपस्थित हाजरी इस बात को प्रमाणित करती है कि एक जवंत मुद्दा है। इसे न केवल सुनने के लिए आए हैं बल्कि लागू भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज क्या था, लंबा टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ काफी देर से नंबर नहीं पड़ रहा था। मैं गांव मतनेड़ी से पूर्व सरपंच आवासी शहर 40 साल से पत्रकार हूँ और 22-23 साल मैं खाप का संयोजक भी रहा हूँ। पहले खाप मैंने बढ़ाई थी, उसका मैं संस्थापक हूँ। तो बहुत ज्यादा कई एनजीओ भी चलाता हूँ, मानव रक्षक एनजीओ जिनमें से खास है। तो सोनिया ने जो ये बीड़ा उठाया है, हमारी मानव रक्षक एनजीओ भी और मैं हरियाणा प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, उसकी तरफ से भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसमें करेंगे। आपका संदेश अखबार का मैं चीफ एडिटर हूँ, बहुत से मैंने खातों के ऊपर लेख भी लिखे हैं और बहुत सी लड़कियों ने खासकर इसके ऊपर जो सर्च की है हमारी मदद ली है और मेरे अखबार की कटिंग भी उनके पास है। तो इन बातों में 40 साल का अनुभव थोड़ा नहीं होता, 69 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है और छोटा सा पंचायत में लड़ लगा था। और जो मामला ये आया है तो खून का और दूध का जो रिश्ता है इसको छोड़कर जो रिश्तेदारियां और बहन बेटी के और अपने नाते बढ़ाने हैं ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम भुगत मौकी है, मैं बताना चाहता हूँ कोरोना के अंदर कांड हुआ था मनोज पब्ली का, हमारी आंखों के सामने सारी बातें हुई। यहाँ जो हम प्रताप धनखड़ साथ नहीं आए, जस सिंघला बिहार है ये हमारे साथ थे सारे उस मामले में। और जोड़ती वाला भी मामला काफी उछड़ा था, कितने गिराव बहुत ज्यादा ऐसे कांड हुए, उन सब में हम शामिल हुए। बहुत से मुकदमे दर्ज हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे वो जवाहर का आंदोलन हो, पत्रकारों में मुकदमे दर्ज नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ पत्रकार ही नहीं हूँ, सामाजिक आदमी पहले हूँ, इसलिए सबका भुगत भोगी हूँ। और आज समय कम है तो मैं आप इन सब हाजरी से निवेदन करूंगा कि मैं 24 के अंदर, क्योंकि मैं भी लंबे समय से 24 कार्यकारिणी का अध्यक्ष रहा हूं, तो महम 24 के अंदर जो राजमय प्रधान जी सामंत पा ने कहा, तो महम 24 एक ऐतिहासिक चबूतरा है, वहां की आवाज दूर तक जाती है और मीडिया भी उसको बखूबी अच्छी तरह से, हालांकि मैं पत्रकार हूँ लेकिन पत्रकारों से कई बातों में सहमत नहीं हूँ। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे समाज के जो रीति रिवाज है उसको पत्रकार नहीं समझते, वो अपने चलाते हैं, हम उनको समझाते हैं तो दूसरी तरफ में उसको ले जाते हैं। तो छोटा के एक को खत्म कर दूं, मैं चौबीसी का चबूतरा सुनाऊंगा मैं सारी बात। आज तो आपका समर्थन है और चहल किया आप की तरफ से और गाँव मदनेड़ी की तरफ से, हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी आधी रात को तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरपंच साहब।
खराब करने के लिए जो सरकारें अपनी चालें चल रही हैं, वो आज 1 नवंबर जो कि हरियाणा दिवस का दिन है, इस दिन हरियाणा बना था और एक ऐसी संस्कृति के तौर पे बना था जिसका उद्देश्य भाईचारा था। हम हजारों सालों से एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो अपने भाईचारे पे डिपेंड करती है। भाईचारा मतलब एक गांव में जो सारे लोग रहे हैं वो हर आपस में चाचे ताऊ भाई बहन चाचे ताऊ ताई दादी ऐसे होते हैं, ऐसे ही जो समगोत्र है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब बहन भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं या महिला है तो वो उसके हिसाब से नाते हैं। ऐसे ही जो हमारे गुआंड हैं, गुआंडों में जो सीम लगते हुए गुआंड हैं वहाँ हमेशा एक परंपरा चली है, आपस में हमने न्योंदे निंदार करे हैं। न्योंदे निंदार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख ब्याह शादी हर जगह जाना, मतलब वो हमारे गाँव जैसी ही चीजें होती हैं जिनसे न्यू क्या करें भाई, जिस गांव गले डोड़ा मिले उस गांव में और उस गांव में दूसरे गांव में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि मैं पेटवाड़ गांव की बेटी हूं और मेरे से जिन गांव की सीम मिलती है, जैसे मेरे से खंडा की सीम मिलती है, बकलाना की, उगाड़न की, नानुंद की, तुराना की, पाली की, ऐसे कई गांवों की माजरा की सीम मिलती है, मुझे पेटवाड़ में और इन सारे गाँव में कभी भी अलग नहीं देखा जाता। जब कोई बरात हमारे यहाँ से जाती है वो इन सारे गांव की और इस गोत्र की और उस गांव की 36 बिरादरी की द्याणियों को, द्याणी मतलब जो बाण बेटी हैं जो वहां पे ब्याही गई हैं उस गांव में जहां बरात गई है उसको मान के आते हैं। तो इन सारे गांव में शादियां कैसे हो सकती हैं, इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं। आप सब लोगों को पता है हमारे पास लिखित में बकायदा सारी चीजें हैं कि किस क्यों इन सारी चीजों में, इन तीनों चीजों में शादियां नहीं होनी चाहिए। और जब स्टेट एक्ट हो सकता है भाई मैरिज एक्ट में संशोधन करना, उसे बनाना ना बनाना ये स्टेट की जिम्मेवारी है, तो आज तक कानून क्यों नहीं बना? इतने लंबे समय से हमारे खाप की सरदारी को बदनाम किया गया कि ये ओनर किलिंग करते हैं, ये तो इसलिए ये करवाना चाहते हैं। अगर ये एक्ट बन जाता इनको क्या जरूरत थी ओनर किलिंग की, क्या क्यों होती है, क्यों वो 2003 में करोड़ा कांड होता, क्यों ये जरूरत आती? जरूर मैं ओनर किलिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जिम्मेवार वो सरकारें ही हैं या मौजूदा सरकारें हैं जो इस एक्ट को नहीं मनाती। अगर ये एक्ट बन जाएगा क्यों तो गांव की गांव में शादियां होंगी, क्यों गांव की गांव में बच्चे आपस में एक साथ रहने लगेंगे, क्यों एक गोत्र में बच्चे शादी करेंगे साथ रहने लगेंगे, और क्यों ही गुआंडों में, और खापों को क्या जरूरत पड़ेगी इस तरीके की ऑनर किलिंगों को अंजाम देने की? तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई इतनी जरूरी थी कि हम महिलाओं का सामने आना पड़ा। पहले आप लोग कहते थे भाई, सरकारें कहती थी ये तो खापे हैं अपनी दादागिरी करने के लिए करना चाहती हैं, लेकिन मैं आप मीडिया छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ खापे नहीं हैं जिनको ये एक्ट चाहिए, ये हर आम आदमी है, हर वो लड़की है जो हरियाणा में पैदा हुई है, हर वो आदमी है लड़का है जो हरियाणा में पैदा हुआ है। कोई 100 में से एक निकम्मा पैदा हो जाता है लेकिन बदनाम सारे 100 हो जाते हैं। जी एक खाप पे पहले भी ये लड़ाई लड़ चुकी है और अब आप ये लड़ाई शुरू कर रहे हो, यानी क्या योजना बनाई है, किस योजना से लड़ाई लोगी कि अब इसमें कामयाबी मिले आपको, क्योंकि पहले खापे पूरे प्रदेशी खापे ये लड़ाई लड़ चुकी है, आज तक किसी महिला ने ये लड़ाई नहीं लड़ी। जी मेरी खाप सरदारी ने ये बोला है, आज आप सारे मेरे दादा और खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये लड़ाई मैं लड़की होने के नाते से अगुवाई करके लड़ सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी बताया कि मैं हर गांव से जितनी भी पंचायतें हैं हर पंचायत का रेजोल्यूशन लूंगी भाई, चाहे वो मेरे से 6800 समथिंग पंचायतें हरियाणा में, मेरे से जितनी पंचायतों में पहुंचा जाएगा, 2000 में पहुंचा जाए, 3000 में पहुंचा जाए, मैं रेजोल्यूशन लूंगी बकायदा पंचायत का, पंचायत के सिग्नेचर के साथ, स्टैंप के साथ, और हम इकट्ठा चल के, खापों ने तो पहले से ही लड़ रही हैं, जब खाप पहले से ही लड़ रही हैं और वो पंचायत का रेजोल्यूशन मतलब गांव का रेजोल्यूशन होता है, पंचायत कौन होती है, खट्टर सरकार ना मानने पंचायत कौन होती है, लेकिन हमारे लिए हमारा राष्ट्रपति गाँव का, प्रधानमंत्री गाँव का, गाँव का न्यायालय पंचायतें हैं और खापे हैं। तो खापे पहले ये लड़ाई लड़ रही हैं, अब पंचायतों का भी मैं एक एक का सपोर्ट लेटर प्लस एक एक गांव में जाके मैं खुद महिलाओं की पंचायत लूंगी ताकि हम अवेयर कर सकें, जब तक ये सरकार कानून ना बनाए कम से कम हम जाके महिलाओं को बताएं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे मामले होते हैं
95% लड़कियां सुसाइड कर जाती हैं बाद में, जब तक, क्योंकि ये होते हैं बहुत कम उम्र में, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में बच्चा ऐसा काम कर देता है, जब जब उसको समझ में आती है तो ज़्यादातर लड़कियां सुसाइड कर जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि लड़कियां इस तरीके के कदम उठाएं, पहले ही लड़कियों के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले, जो ये समाज में कुरीति हो चुकी है, तो हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे और हरियाणा को बचाएंगे। जी, जो सामाजिक मुद्दा है जो आपका, ये कहीं राजनीतिक मोड़ ना ले जाए। ना मेरे पहले किसी मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ लिया है, ना मैं पहले किसी समाज की बात में मैंने राजनीति करी है, ना ही आज मैं इस बात पे राजनीति करूंगी। राजनीति करने वाले 5-4 साल वोट मांगते हैं, समाज के लिए ऐसे धूपों में पैदल नहीं चलते हैं, समाज के लिए जाके ऐसे छेड़छाड़ मंत्रियों का विरोध नहीं करते हैं। मुझे मेरे समाज के ऊपर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने समाज के ऊपर राजनीति छोड़ जरूर सकती हूँ। आप हरियाणा की बात कर रहे हो, सेम विलेज सेम गोत्रा बैन होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में सिरसा भी आता है, वहाँ पर गाँव के गाँव में शादी हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 18वीं सदी की बात नहीं कर रही, ना ही मैं रिजल्ट बात कर रही हूँ। जहाँ एक खेड़ा नहीं है, कई दादाओं का खेड़ा है। गांव का मतलब होता है एक दादा का बसाया हुआ गांव। मैं ठीक तो कह रही हूँ दादा? एक दादा का बसाया हुआ गांव, उसका एक खेड़ा होता है। लेकिन सिरसा में, फतेहाबाद में, ऐसे बहुत सारे, या नू मेवात में हमारे मुस्लिम भाई हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। और सिरसा फतेहाबाद में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादातर लोग राजस्थान में अलग अलग जगहों से आए हैं और उनके कई खेड़े हैं, अपने अलग अलग खेड़े, मतलब अपने अलग अलग दादा हैं, जिसको हम पूछते हैं, हरियाणा में खेड़ा पूछता है, तो अलग अलग खेड़े हैं, उस गांव का एक खेड़ा नहीं है। जहां ऐसा होता है वहां हमें कोई एतराज नहीं है, हम प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं। लगभग 15-16 जिलों में ऐसा नहीं होता है, हम उनके लिए यह बात चाहते हैं। और कानून में एक्सेप्शन बहुत सारी चीज़ों की होती है, वो जो जिले हैं जहाँ ऐसा होता है या वो गाँव हैं, उन्हें हम एक्सेप्शन के आधार पर रखेंगे। ऐसे तो शहर भी हैं, शहरों में बहुत सारी जगहों से लोग रहते हैं भाई, ऐसे तो ब्यासी उपमंडल हैं, वहाँ पे भी जैसे नारनौंद है, ऊपर उधर आगे अगर हम बात करें, बहुत सारे और महम हैं, वहाँ अलग अलग गांव के लोग रहते हैं भाई। जहाँ SDM बैठता है या जहाँ DC बैठता है, वो भी एक्सेप्शन में आएंगे वहाँ, क्योंकि अलग अलग गाँव के लोग आके रहने लगे हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं, हम एक रिजल्ट समाधान नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल समाधान ये है कि ये 15-16 जिलों में लागू हो सकता है, हमें उसमें करवाना है। कब से मुहिम शुरू करोगे आप? आज से हो चुकी है जी, बहुत जल्द, विदिन 2-3 डेज मैं गांव-गांव जाना शुरू करूंगी, पंचायतों के लेटर इकट्ठा करना शुरू करूंगी, बाकी मेरे दादा और से सलाह करके कि हम पैदल कब चलना शुरू करेंगे, आप लोगों को दोबारा बुला के ये जानकारी देंगे। दुनिया जी, आज की जो पंचायत हुई, इसमें हरियाणा भर से कौन-कौन सी खापे आई? लगभग सारी हरियाणा की खापे आई हुई थी, मेरे दादाजी और को ज्यादा पता है, 80 के आसपास खापों के सिग्नेचर हुए हैं, 80 के आसपास खापे पहुंची हुई थी। और हमने ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये पंचायत रखी थी और हम जितनी खापों तक पहुंच पाए थे, 90% खापों की आज यहाँ हाजिरी थी। भाई एक सेकंड बेरा ले लो। हाँ, बताओ जी, आओ जी, आ जाओ। मैं रामखोर आगे थोड़े आगे जाओ जी, थोड़े से आगे जाओ, हाँ थोड़े से और आगे जाओ, आ जाओ जी, थोड़े से और आगे आ जाओ, बस सारा ले लूंगा, मेरे पैर पोते हैं, हम पकड़ा मैं मजबूर था, थोड़ा पत्थर से देख के ये पहले हम भी चला रहे हैं। अपना जो हिंदुस्तान का संविधान है, उसके हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में ऐसा है कि जिस स्टेट की जो रीति रिवाज हैं उनके मुताबिक स्टेट सरकार बदल सकती है कानून। और इसी बात पर हमने पहले लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस समय के जो नेता थे उन्होंने हमारे को इग्नोर कर दिया वोटों की राजनीति के कारण। अब हम दमखम से बेटी के साथ हैं और इस लड़ाई को अपने रीति रिवाज के अनुसार सेक्शन 9 में हिंदू मैरिज एक्ट में हम संशोधन करवा के रहेंगे। नाम क्या था जी? प्रधान कंडेला खाप। चल सर, थोड़ा नीचे करवा दीजिए। जो बहन सोनिया ने जो ये मुहिम छेड़ी है, हम इससे बहुत खुश हैं और इसका समर्थन करते हैं और इसको सिरे चढ़वाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। किस तरह की मुहिम शुरू करोगे आप लोग इनके साथ? इनके साथ हर प्रकार की, जैसे भी ये कहेंगे नहीं, जैसे ये अब तो ये पंचायतों में जाएगी और वहाँ से रेजोल्यूशन पास करवा कर ले आएंगी,
और उसके बाद जब ये पैदल चलेंगे तो हम इनके साथ होंगे। खापों ने पहले भी लड़ाई लड़ी थी जी, खापों ने पहले भी लड़ी थी लेकिन वो कुछ इस प्रकार के हाथों में चले गए थे, हम गुमराह हो गए थे, उनको गुमराह कर दिया हमको। अब लेकिन अब हम गुमराह नहीं होंगे, हम उन ओनर किलिंग का खापों पे ठप्पा लगा हुआ है कि वे खापे ओनर किलिंग को बढ़ावा देती है। नहीं नहीं मत दिख रहे, ओनर किलिंग को तो खापे ना तो करती है ना कभी किया, ये तो वैसे खापों पर दबा लगा गया है कि वह ओनर किलिंग करती है खापे, ओनर किलिंग नहीं करती खापे। ठीक है, इस बात पे मैं कहना चाहूंगी जी, ओनर किलिंग खापों ने पहले भी नहीं किया। एक मिनट एक मिनट, ओनर दिन तैयार ओनर दो जी, पहले भी नहीं कहा खापों ने, मत देख करे करे तो मैं बेटी होऊंगा ना, मैं बताऊंगी किस। मैं एक बात बताना चाहती हूं जी आपकी नॉलेज के लिए, आप लोग भी लगभग सारे हरियाणा से आते हैं और किसी ना किसी गांव से संबंध रखते ही होंगे। पहले भी जो ओनर किलिंग हुई है ना, पहले ये खापों ने करी है ना आज करती है, अक्सर माँ बाप सामाजिक या भाई बहन या कोई फैमिली मेंबर अपने सामाजिक प्रेशर में आके ऐसे एक्ट करता है। खापों को सरकारों ने बदनाम किया है, खापे समाज को रास्ता दिखाने का काम करती हैं, ना कि समाज को भटकाने का काम करती हैं। अगर वो ओनर किलिंग करती होती तो मेरे जैसी लड़की जिसको खापों ने आगे कहा है पीछे थापी मार के बेटी तू लड़, तो यहाँ लड़ नहीं रही होती। हमें बड़े सुनियोजित तरीके से हरियाणा की संस्कृति को खराब करने के लिए खापों को बदनाम किया, क्योंकि संस्कृति का ताना बाना हमेशा खापे बना के रखती थी। और जो भी कभी भी कोई किलिंग ओनर किलिंग हुई है या इस तरीके का कोई एक्ट हुआ है, बहुत सारे मामले हैं, 2003 से शुरू हुआ था और अभी तक बहुत मामले हैं, अक्सर माँ बाप ने भाई बहन ने जो उनके घर के हैं या उनके किसी रिश्तेदार ने इस चीज़ को अंजाम दिया है, ना कि खापों ने। प्लीज़ आप लोग भी ये बात को लोगों को बताओ, आगे बताओ, हरियाणा या बाहर से जो भी मीडिया के साथी आए हैं, इस चीज़ की जिम्मेवार खापे नहीं थी और ना हो सकती हैं। जो समाज की बेहतरी चाहता हो वो इस तरीके का समाज को ख़त्म करने वाला काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।